चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। पहले प्रमुख समाचार। मानदेय वृद्धि के लिए जारी हुआ 6,15,000 करोड़ का बजट, अनुदेशक और शिक्षा मित्र शामिल। अनुदेशक नियमितीकरण का मुद्दा उठाकर आगे बढ़ना चाहते राम कुमार सिंह। अनुदेशकों के महान लीडर विक्रम सिंह सर अनुदेशकों का दर्द बयां करते हुए रो पड़े, तय सच्चा नेता। अकुशल 9530, अर्धकुशल 10483, कुशल 11743। अनुदेशक किस कैटेगरी में आते हैं? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुदेशक न्यूज में। साथियों, यहां पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है निकलकर कि जो अभी बजट जारी हुआ है उसमें अनुदेशक शिक्षा मित्रों को कितना बजट मिला है मैं आपको बताना चाहूंगा। 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है मानदेय वृद्धि को लेकर। आप देखते हैं कि मानदेय वृद्धि कब से आपको सभी को प्राप्त होगी। तो साथियों, आपने देखा आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, मानदेय वृद्धि के लिए जारी हुआ है 6,15,000 करोड़ का बजट, शिक्षा मित्र अनुदेशक जिसमें शामिल किए गए हैं। साथियों, लगातार श्रमिक संविदा कर्मियों के लिए प्रश्न उठते हुए विधानसभा में एक ऐसा प्रश्न आया जिसमें दिया गया है कि अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कर्मचारियों के कितना मानदेय है। तो उसमें अकुशल के लिए है 9530 रुपये, यानी कि दैनिक कुल मजदूरी है 366 रुपये 54 पैसे। अब अर्धकुशल की बात आती है तो उसमें दिया गया है कि 10,483 रुपये, यानी 403.19 रुपये पर डे के हिसाब से इनको मिलेगा और मिलता है। अब कुशल की बारी आती, कुशल के लिए है मानदेय 11,743, यानी कि 451.65 पैसे। अब आप बताइए कि यहाँ पर अनुदेशकों को किस कैटेगरी में रखेंगे, अनुदेशकों को कितना मानदेय दिया जाएगा, जो कि एक असंवैधानिक मानदेय उनको अब तक जो मिल रहा है उस पर कोई भी सरकार सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों प्रश्न पूछा गया, क्या सरकार इन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी? तो उन्होंने कहा है कि जी हाँ, हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। चलिए, एक सकारात्मक प्रश्न दिया है और लेकिन उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण उनका सकारात्मक प्रश्न है, क्योंकि अनुदेशकों को अभी भी अल्प मानदेय मिल रहा है जो कि गैर कानूनी है। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के कब दिन बहुरेंगे ये कुछ अभी पता नहीं है, क्योंकि जहां बदले की राजनीति होने लगे वहां आम आदमी, आम कर्मचारी उसमें पिस जाता है बदले की राजनीति में। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ। एक और समाचार है, यहाँ पर समान कार्य समान वेतन पर हमारी सरकार ही काम करेगी, जिस समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा हमारी यूपी की योगी सरकार द्वारा, और ये समाधान सिर्फ हमारी ही सरकार कर पाएगी। स्वतंत्र देव सिंह जी का ये कहना है, उन्होंने ये जग जाहिर किया कि शिक्षा मित्रों के एक प्रश्न पे कहा था कि हमारी सरकार जल्द शिक्षा मित्रों के लिए कुछ समान कार्य समान वेतन क्या करने जा रही है। ये मित्रों, देखते हैं क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए समान कार्य समान वेतन मिल पाएगा। स्वतंत्र देव जी की बात को हम याद रखें। अब देखते हैं वो भावुक समाचार जिसे देखकर हर अनुदेशक रोने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो साथियों, अपनी बात लगातार एक साल होने जा रही रखते हुए स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से शिव कुमार मिश्रा जी के समक्ष, डॉक्टर सुनील कौशिक जी के, सुरेंद्र दुबे जी के समक्ष रखते हुए आज अनुदेशक के सच्चे लीडर रो पड़े और अपनी भावुकता को नहीं। आज उन्हीं अधिकारी की बात, अपने कार्यकर्ता की बात, जिन्होंने 30 साल तक अपना खून पसीना बहाया, उसकी बात उनको समझ में नहीं आ रही, लेकिन अधिकारियों की बात आज बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, रोइए मत, हिम्मत और हौसला रखिए, कोई नहीं, हिम्मत और हौसला रखिए, रोने से कुछ नहीं होता है और इस रोने से कुछ नहीं मिलता है। क्षमा चाहता हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता था अपने चैनल के माध्यम से ये भावुक पल, लेकिन
मैं भी खुद अपने आप को रोक नहीं पाया और अनुदेशक भाई बहनों की ये दुर्दशा ऐसी होगी इन राष्ट्र निर्माताओं की, कभी सोचा नहीं था कि हम इसी देश में रहते हैं जिनमें गुरुओं को भगवान कहा जाता है। कौन लोग हैं वो जो इनके साथ ये बदले की भावना इन पर निकाल रहे हैं। ऐसी सोच को हम अत्यंत घिनौनी सोच कहेंगे, अत्यंत असभ्य असंस्कृत सोच कहेंगे, जिनके कारण आज राष्ट्र निर्माताओं को अपने आंसू बहाने पड़ रहे हैं। आज वो दर दर की दर दर के लिए भटक रहे हैं अपने न्याय के लिए, लेकिन कुछ चंद लोग उनको न्याय देने के लिए अभी भी हामी नहीं भर रहे हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर अगर कहीं ना कहीं है तो वो हमें न्याय अवश्य दिलवाएगा और इन सभी धूर्त लोगों के लिए सद्बुद्धि देगा। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।